सारी रात हम यहाँ पे कुटते रहे कुत्ते की तरह, और अब आप कह रहे हो कि बचना मुश्किल है, आपको बुलाया क्यों है फिर? और ऐसी तैयारी करेगा कि बिल्कुल शबनम लगनी चाहिए। मैं तो हो जाऊंगी ना। मिलिए, राम गोपाल वर्मा के पप्पा है। दो घंटे बाद मुझे बता रहे हैं जबकि आपके पसीने से दो दफा मेकअप बह चुका। शुक्र है मकान तो अच्छा मिला, नहाने में भी मज़ा आता है। वहाँ के तो वॉशरूम मालिक मकान के जहन से भी ज़्यादा तंग थे। हाँ तो घर चेंज करने के चक्कर में झुमके भी तो सदके में देने पड़े। हज़ार दफ़ा तुम्हें समझाया कि अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखा करो, लेकिन तुम्हारे को बात समझ ही नहीं आती। तो अपने बेचे ना, तुम्हारे चाकर तो नहीं बेचती है। तो मैं तुम्हारी बातों के सदके अपने झुमके दूंगी भी नहीं। जाओ देखो किसका फ़ोन है, मैं जरा अम्मी के साथ काम करवा लूं। तुम दोनों आपस में लड़ा तो ना करो। अम्मी हम लोग कहाँ लड़ते हैं, ये तो आपको किंजा की आदत का पता ही है ना। लुबना, हेलो। हाँ लुबना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाई, जरा ऑटो आराम से चलाएगा, आवाज सही नहीं आ रही मुझे। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हाँ एक्चुअली मैं रास्ते में हूँ ऑटो में, तो इसलिए आवाज़ सही से नहीं आ रही। तुम बताओ कहीं जा रही हो क्या? हाँ एक जगह डायरेक्टर ने बुलाया ऑडिशन के लिए, तो वहीं जा रही हूँ जमजमा पे। अच्छा, वो जो नई प्रोडक्शन खुली हुई है। हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? जैसे तुम्हें पता है मतलब अखबार के थ्रू। इसका मतलब तुम दोनों भी आ रही होगी? हाँ हाँ ऑब्वियसली। हेलो हेलो, आवाज़ सही से नहीं आ रही तुम्हारी, वहीं पहुँच के बात करती हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर बाद तुम्हें तस्वीर भी नजर आ जाएगी जब हम दोनों वहाँ पहुँच जाएंगे। भाई जरा जल्दी चलाइए, मुझे जल्दी पहुँचना है। फिर पहुँच गए ये लोग वहाँ। तुम अपना काम में लगी हुई हो, चलो लुबना हमसे पहले पहुँच जाएगी ऑडिशन के लिए। अरे तो क्या हो गया, ऑडिशन तो वैसे भी 3 बजे शुरू होने, इसमें इतनी प्रॉब्लम थोड़ी है। प्रॉब्लम है, चलो उठो तैयार हो। अरे अच्छा ठीक है माहिन, तुम चली जाओ, मैं कर लूंगी सब कुछ। अम्मी रहने दें, इसको ना अभी मेकअप में बहुत टाइम लगता है, मैं आपके साथ काम करवा रही हूँ। चलो। हाँ तो करती हो ना इतना सारा। माही सर प्लीज 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 मुझे समझने की कोशिश करें, मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन सकती हूँ, आप मुझे एक चांस तो दें, मैं अपनी परफॉर्मेंस में शोर राय को मात दे सकती हूँ। अगर आपने मुझे चांस नहीं दिया तो मैं आपको बता रही हूँ मैं खुदकुशी कर लूंगी, वो भी आप ही के ऑफिस में। पुलिस केस बनेगा आपके खिलाफ। अरे पापा ये ऑडिशन है या हमको धमकियां दे रही है? एक मिनट, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसे मौके पर लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी तो स्टार्ट है ना। हाँ स्टार्ट है ना आशमी साहब, अभी तो बाहर बहुत सारे अभी फनकार बैठे, आप भी बाहर बैठो। अच्छा ठीक है आप जाइए, अगर जरूरत हुई तो आपको कॉल आ जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अरे लुबना कैसी हो? ठीक ठाक, तुम कैसी हो? क्या हुआ, ऑडिशन हो गया तुम्हारा? हाँ मेरी तो ऑलरेडी सिफारिश हो चुकी है ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर से। अच्छा फिर तो तुम्हें ऑडिशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, समझो तुम्हें तो कोई बड़ा रोल मिल गया। हाँ इंशाल्लाह, लेकिन फॉर्मेलिटी भी तो पूरी करनी है ना यार ऑब्वियसली। सुना है कि उनकी कमरिया नहीं है, न जाने पजमिया कहाँ बांटते होंगे। अरे भाई बेगम कहाँ बांटते होंगे? अरे मुझे क्या पता कहाँ बांटते होंगे। चालाकियाँ तो देखिए खुद कट करके आप, और उसे पूछते हैं क्या माजरा हुआ।
घर में भले खाने को कुछ ना हो लेकिन अखबार आप जरूर ले आएंगे। क्या हो गया बेगम? संडे का स्पेशल एडिशन है, इसमें शोरा के कलाम छपते हैं। होटल तक गया था पढ़ने के लिए ले आया। तुम्हें तो बस कोसने का बहाना चाहिए। और वो दिन भूल गई जब आपने कलाम पढ़ने के पैसे लिया करता था? हम तो पैसे लेकर भी कोई आपकी शायरी सुनने को तैयार नहीं। सब वक्त वक्त की बहार है बेटा। आप पर तो हमेशा खजाई रहेगी। खजा का खौफ माली को, खजा तो बेखबर ठहरी। अब शायरी छोड़कर ना कुछ काम ढूंढिए आप। आपको मालूम है किंजा ने अपने झुमके बेचकर इस घर का किराया अदा किया है और कुछ सौदा भी लेकर आई है। तुम्हें क्या बता कर मुझे एहसास नहीं। एक बात याद रखना बेगम, ये आर्टिस्ट लोग जो होते हैं ना बेगम, बहुत हसास होते हैं। ये अपने दिल की कैफियत किसी पर जाहिर नहीं होने देते। बस अब आप कुछ भी करें लेकिन खुदा रहा कोई काम ढूंढे ताकि घर की आमदनी में कुछ इजाफा हो। मैं बच्चियों का इस तरह परेशान देखती हूँ ना तो मेरा दिल घटने लगता है। तो क्या बनने में मैं भी करूं? गलत समझेगा। आप मुसलसल मुझे क्यों देख रहे हैं? शीशे का समंदर, पानी की दीवारें, माया है, भरम है ये मोहब्बत की दुनिया। इस दुनिया में जो गया वो तो समझो गया। जिसे देखो दिल की धुनी जमाता है। ये मंदिर नहीं है, गौशाला नहीं है। हसीनों से कह दो कहीं और जाए। ये मेरा दिल है दिल, कोई धर्मशाला नहीं है। क्या फरमाया आपने? मैं आपको देख रहा हूँ। जी हाँ, आप मुझे ही घूर रहे। आपने कभी लड़की नहीं देखी क्या? इससे क्या फर्क पड़ता है? फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे ही मौसम में तो प्यार जमा होता है। ये दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो आंखों से बयां होता है। मैं तो अपने रोमांटिक तासुरात की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप तो खामखा सीरियस हो रहे हैं। क्या सोचते हो तुम कौन सा कैरेक्टर अच्छा कर सकते हो? पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, कोई खास वजह नहीं, कोई तनाव भी नहीं, मन ऊब गया है। वही शोर, आवाजें, थाना घर, घर थाना, मौसिकी, मवेशी, लाशें, रोज अपने दामन से खून के धब्बों को धोना, कोई शिकायत नहीं है। जब पुलिस की नौकरी की है तो इतना तो हो गई। एक अजब सा एहसास है मन में, अजब। हर रोज नया दिन निकलता है, मैं वही पुराना हूँ, दुनिया वही पुरानी है, चले जा रही। ये डब सब, ये जो जिंदगी की गाड़ी चल रही है ना, मैं इसकी चेन खींचता हूँ और उतर जाता हूँ।
अरे बाबा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं प्रोड्यूसर। सर सर ये डायलॉग था सर। सर सर आप टैलेंट की कमी नहीं है सर अंदर, बिल्कुल जुम्मा बाजार है अंदर, जुम्मा बाजार टैलेंट का। सर आप जो बोलेंगे मैं कर दूंगा। सर ये हीरोइन है। अरे ये बताओ बाबा, तुम ऑडिशन देने आए या सवाल करने के लिए आया? सॉरी सर, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं मोहब्बत बहुत अच्छी करूंगा। मोहब्बत? एक मिनट भैया, एक मिनट। ड्रामे में सर? सर ड्रामे में कोई रोमांटिक किस्म का डायलॉग बोलकर बताओ। मैं आपसे बहुत सॉरी सर, ऐसे तो एक्सप्रेशन नहीं आएंगे, ऐसी सूरत में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे सर। अरे तो बाबा कैसे आएंगे ये तो बताओ। सर अगर आपको एतराज ना हो तो आपकी खातून को देख के लाइनें बोल दूं। सर अंदर से जुमले आएंगे सर, अगर आपको एतराज ना हो तो। और अगर एतराज हो तो बाहर बहुत खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं, उनमें से बुला लें किसी। हाँ हाँ मोहतरमा को देख कर बोलो भाई। आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितनी खूबसूरत हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं आपको एक मिनट भी ऐसी जगह पे ना बैठने दूं जहां मेरे अलावा कोई दूसरा भी आपको देख रहा हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उठो। उठो चलो, जाओ इधर से, जाओ। जाओ सर बस। अरे हाँ बाबा जाओ। फिर कब आना है? तेरे को मैं बता दूंगा जब आना। तुम बिल्कुल जाओ इधर से। आप मेरा नंबर लिख ले प्लीज। अरे तेरा नंबर इधर लिखा, इधर है, मेरे सीने में लिखा हुआ है। जाओ इधर से जाओ। अरे आशमी घोड़ा रे घोड़ा। ये घोड़ा रे घोड़ा क्या है? अरे बाबा मैं पहले गांव में डॉक्टर था, प्रोड्यूसर तो मैं बाद में बना हूं, जानवरों का डॉक्टर था। यकीनन शहजादी। तुम सेट पे रहा करो, बहुत एनर्जी होती है तुम्हारी वजह से। तो मैं रहूंगी सेट पे। बिल्कुल रहोगी। आपने वो ड्रामा ना मर जाए का सॉन्ग देखा है ना, उसमें हमने जिया अली के साथ परफॉर्म किया है। मेरा काम तो अच्छा लगा था ना आपको? ये जो अंदर प्रोड्यूसर साहब बैठे ना, इनको अच्छा लगना बहुत जरूरी है, काम नहीं कुछ और। ड्रामा ना मर जाए, ड्रामा ना मर जाए। बॉस वो आया सुमरो का कमरा किधर है? किधर? इधर इधर। अच्छा उधर। ओ ओ बॉस। अरे फयाज़ा। अरे आदाब। काफी चेंज लग रहे हैं आप। क्या क्या चेंज लग रहा हूँ? अच्छे भी लग रहे हैं काफी। पहले शायद आपकी दाढ़ी थी और अब शेव करवा ली आपने। इतना सोचती हो मेरे बारे में? हाँ इतना नोटिस कर रही हो? देखो इतना नोटिस करती हो और सोचती हो इसी वजह से तो आज तुम हर जगह हो, हर चैनल में हो। अब जो लोग मेरे बारे में नहीं सोचते जलील और ख्वार हो रहे हैं, है ना? खैर एक कामयाब हाथ थामना जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। हाँ अरे पागल, अब सबके सामने क्या पागल हो गई हो? वैसे इसमें कोई शक नहीं है, जहाँ लोग ऑडिशन के लिए आते हैं वहाँ आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके होते हैं। हाय 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 हाय, तुम सेट पे रहा करो, बहुत एनर्जी होती है तुम्हारी वजह से। तो मैं रहूंगी सेट पे। बिल्कुल रहोगी। हेलो क्या हो रहा है ये? अंदर ऑडिशन हो रहे हैं कि कोई डेटिंग पॉइंट नहीं है? ऑडिशन हो रहे हैं, डेटिंग पॉइंट नहीं है? किस तरह से बात कर रहे हैं? पता है मैं कौन हूँ? कौन है? कौन है तू? अब तू कौन है? तू जानता है मैं कौन हूँ? बॉस बोलते हैं मुझे, बॉस। बॉस? हाँ देखा इसने भी बोल दिया बॉस। फयाज खान डीओपी अक्का बॉस, जाके अपने बॉस को बता दे मैं आया हूँ। ओ अच्छा डीओपी, आप इस सीरियल के डीओपी हैं? मैं समझा शायद आप ऑडिशन देने आए। तू चल मैं आता हूँ, चलो।
नए बच्चे होते हैं, पता नहीं होता सीनियर्स कौन है, रिस्पेक्ट कैसे करने। बॉस, सब बॉस बोलते हैं मुझे, क्या बोलते हैं? बॉस। सुन लिया? ओह बॉस, सोमनाथ साहब को मत बताएगा, मुझे वाकई नहीं पता था, मैं तो समझा आप ऑडिशन देने आए हैं। अच्छा तो तोड़े नहीं बताऊंगा, चल अंदर। देखा कैसे लुप लुप होने लगी थी इसकी। जानता नहीं था ना कौन हूँ मैं, बच्चा। इसमें तो कोई शक नहीं है, सबने देख ही लिया ये तो। तुम बैठो, बल्कि तुम यहाँ मत बैठना, तुम वहाँ बैठो, तुम अब एक उभरता हुआ स्टार हो। हाँ ठीक है, मैं जरा अंदर से मीटिंग करके आता हूँ। अच्छा वैसे आपने मेरी बात तो कर ली थी ना प्रोड्यूसर। पगली रुलाओगी क्या? ऑब्वियसली बात करूंगा। शाबाश बैठो। बाबा पहले कहीं काम किया है तुम लोगों ने? जी हम पहले काम कर चुके हैं। वेरी गुड, कहाँ? जी वो हमने नकवी साहब के साथ एक सीरियल में काम किया है। नकवी के साथ? क्या कोई साइड रोल था? नहीं सर, हमने एक्स्ट्रास में काम किया है बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ। आपने वो ड्रामा ना मर जाए का सॉन्ग देखा है ना, उसमें हमने जिया अली के साथ परफॉर्म किया है। मतलब आपने उनके पीछे काम किया था? जाहिर है उनके पीछे ही परफॉर्म करेंगे, हमसे बड़ी हैं तो हम उनके आगे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जी आप भी कोई रोल कर रही हैं? जी मैं डायरेक्टर साहब की असिस्टेंट हूँ। ये भी एक एक्स्ट्रास का ही काम है। आप दोनों बहने हैं आपस में? जी जी सर, वो तो हम शुरू से ही हैं। देखें कैरेक्टर तो है लेकिन आपकी बहन के लिए। नो प्रॉब्लम सर, मैं कर लूंगी। हाँ सर ये वाली ठीक है, दूसरी वाली बहुत बोलती है सर। क्यों आपको घूंगी एक्ट्रेस चाहिए क्या? देखिए जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, हमें जिस कैरेक्टर में रिक्वायरमेंट है उसमें आपकी बहन पूरी उतरती है। फिट नहीं है हाशमी, फिट है, फिट है ये। बस सर आप इसे फिट कर लें। इसको ऐसा फिट करूंगा ये याद रखेगी। इन्हें स्क्रिप्ट दे दो। अभी बात कान खोल कर सुनो, स्क्रिप्ट याद कर गया ना, मुझे सेट पे रिटेक्स नहीं चाहिए। नो प्रॉब्लम सर, आपको हम कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये स्क्रिप्ट लेके उधर कमरे में बैठो, मैं आके अभी मिल लेता हूं तुम लोगों से। ठीक है सर, बढ़िया चीज बची है यार, मैंने कहा ना टैलेंट की। ओके अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अरे भाई बेगम देखना दरवाजे में कौन है। दरवाजे पे जाने से ना मुझे बहुत खौफ आता है, ऐसा ना वो माले में काम फिर किराया लेने आ गया। भाई अभी तो एडवांस दिया किराया किस बात का है? आए आप अंदर आए ना, आए बैठे। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। ये मेरे शोहर है नसीम अख्तर। आजीज नसीम अख्तर आजीज। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा मतलब है मेरी बेटियां काम करती हैं, इनके तो उम्र ही इतनी हो गई है, ये अब क्या काम करेंगे? बाजी ना मकानी उम्र को छोड़ो, सेहत से तो अच्छे भले ही हैं, बाप के होते हुए बेटी को काम करना अच्छा नहीं लगता। अच्छा सर आपकी बेटियां करती क्या है? देखिए हमें जो कैरेक्टर चाहिए था वो हम कास्ट कर चुके हैं। लेकिन सर मेरी तो देखो अभी ये कोई हमारा आखिरी प्रोजेक्ट तो नहीं है ना, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको हम कोई ना कोई रोल या चांस दे देंगे, और वो भी अगर उसमें कोई रोल हुआ तो। ठीक है ना, अभी हाशमी साहब मुझे तो काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है ना, कल शूट पे मुलाकात होती है ना आपसे शहजादी, चले। तो मेरे को तो बहुत जरूरी काम है पापा, मेरे को तो जाना है, समझ गए?
आजा बाबा आजा चले ठीक है अभी तुम संभाल लेना ये जितना भी हो गया मैंने कर दिया आपका ऑडिशन नहीं हुआ अभी तक ऑडिशन एक्सक्यूज मी मैं वैद्यनाथ आश्रम का एडी और आपको क्या पता एडी क्या होता है एसोसिएट डायरेक्टर सब काम एसोसिएट डायरेक्टर करता है समझ आई आपको और ये जो भी लड़कियों की लिस्ट फाइनल हो रही है ना ये फाइनल होकर मेरे पास आएगी जितनी भी ऑडिशन में लड़कियां सिलेक्शन होनी है सब मैंने कर ली मेरे बगैर मेरा डायरेक्टर नहीं चलता Oh good. फिर तो यकीनन आप मेरे काम आ सकते हैं। Excuse me, आप मेरे बैग पे बैठ गए। तो मेरे सारे दिन की मेहनत होती है। Sorry. वैसे डायरेक्टर को मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी थी आप भी थोड़ी बहुत सिफारिश कर दीजिएगा काफी अच्छे ताल्लुकात होंगे आपके ताल्लुक नहीं हम एक साइकिल के दो पहिए और मैं आगे वाला पहिया आपको पता है जब तक आगे वाला पहिया नहीं घूमेगा तो पीछे वाला चल ही नहीं सकता इसी वजह से वो जहाँ प्रोजेक्ट करते हैं जिसके साथ काम करते हैं मुझे ही सिलेक्ट करते हैं और मुझे ही जगह जगह रिकमेंड करते हैं 10 साल से उनके साथ हूँ आज तक उन्होंने किसी और को नहीं रखा अपना ही मैं ही चला रहा हूँ 10 साल से सर आगे सर शूट कब से स्टार्ट है सर कल से शूट कल से सर कल से पेपर वर्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए आपको मालूम है कितनी सारी चीजें होती हैं सब चीजों को लाइन अप करना बहुत मुश्किल है सर ये तो मैं जानता हूँ एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा पेपर वर्क इसीलिए तो एडी अरेंज करके दिया मुझे प्रोड्यूसर साहब ने और सर मैं मेरा काम तो अच्छा लगा था ना आपको हाँ तुम अच्छी हो काम भी अच्छा है तुम्हारा मुझे अच्छा भी लगा लेकिन आजकल डायरेक्टर के अच्छा लगने से कुछ नहीं होता ये जो अंदर प्रोड्यूसर साहब बैठे ना इनको अच्छा लगना बहुत जरूरी है काम नहीं कुछ और सर आप तो खुद मेरे करते हैं हाँ तो मिस्टर एसोसिएट डायरेक्टर क्या कह रहे थे आप वो साइकिल का आगे वाला पहिया आई थिंक पहिया फुस हो गया एक्सक्यूज मी कुछ चीज़ ऐसी होती है प्रोडक्शन में जो आप जैसे लोगों के सामने नहीं बोली जाती ठीक है ना अभी वो घर गए वो सोच समझ के बातचीत करके मशवरा करेंगे मुझे ही कॉल करेंगे अभी तो उन्हें प्रोड्यूसर के दबाव में बोल दिया और जब सेट पे पहुंचेंगे उनको एक फारी गेडी मिलेगा तो फिर वो मुझे ही बुलाएंगे आफ्टरऑल आना मुझे ही है ठीक है दरअसल तुम छोड़ो तुम फिक्र नहीं करो एक्सक्यूज मी हाथ दूर रखें प्लीज हमें जिंदगी में तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा बाबा उन्होंने मुझे काम देने से इनकार कर दिया सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए आप लोग इन जैसी दो टके की एक्ट्रेस को कास्ट करते हैं और मुझ जैसी बड़ी एक्ट्रेस का टाइम वेस्ट करते हैं ड्रामा ना मर जाए ड्रामा ना मर जाए इनकार कर दिया कोई बात नहीं बेटा ये सब वक्त की चाल है देखो एक वक्त आएगा वही लोग तुम्हें बार बार फोन करेंगे
तुमसे वक्त मांगेंगे और उन्हें देने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, देख लेना। पर बाबा, आप जानते हैं, बड़ी आर्टिस्ट बनना मेरा ख्वाब है। तुम बड़ी आर्टिस्ट बन जाओगी, पहले खुद को बड़ी आर्टिस्ट समझो, खुद को बड़ी आर्टिस्ट समझो, फिर अल्लाह ने चाहा तो तुम बड़ी आर्टिस्ट बन जाओगे। मेहनत करो, हिम्मत ना हारो, बड़े बड़े ख्वाब देखो बेटी, यही ख्वाब हकीकत बनेंगे, तुम्हारी हिम्मत और बढ़ेगी। ख्वाब देखो, बड़े मत करते। जी जी सर, जी जी, हो जाएगा हो जाएगा। यार फयाज, एक मिनट सर, फयाज दो लाइटें यहाँ रखवा दे यार। फयाज, हाँ लाइटें यहाँ रखवा यार। अरे भाई लाइटों का मुझे मत बताओ ना, आप अपने कैरेक्टर बताओ, कहाँ खड़े होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, मेरे सर पे होंगे, कहाँ होंगे? यार एक यहाँ होगा और कहाँ होगा। और बात सुन, अनम के सीन आज खत्म करने, कल की डेट नहीं उसकी मेरे पास। ओ भाईजान, आपकी एक्ट्रेस है, आप उठाओ उसके, मुझे मत बताओ। अच्छा भाई फोन करो अनम को, अभी तक आई क्यों नहीं अनम यार? जी सर कॉल की है, वो कह रही थी बस थोड़ी देर में पहुँच रही है। ड्राइंग रूम के सीन निकालो पहले, वो सीन करने, जल्दी जल्दी जल्दी। सर इन सारे एपिसोड्स में ड्राइंग रूम के सीन्स हैं, और भी हैं सर, लेकिन वो मैंने सोचा हम बाद में कर लेंगे। इधर दो, मैं खुद कर लूंगा, छोड़ो। प्रोड्यूसर साहब को ये पता होना चाहिए कि पेपर वर्क के बगैर काम नहीं होता। आप बैठ जाइए, कंटिन्यूटी तो लिख रही हो ना, कंटिन्यूटी लिख रही हो या नहीं? जी सर आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही नोट करती जाऊंगी। बात सुनो, ये वाला सीन सबसे पहले करना है, जैसे ही अनम आएगी ना ये वाला सीन करना है, याद रखना। हाँ हाँ, नहीं बस मैं डेट मैंने दे दी है। आई एम सो सॉरी वजनान, क्या हाल है? बस मैं रेडी होके अभी आई, 10 मिनट में जल्दी जल्दी फौरन आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ। जल्दी वही कंटिन्यूटी वाला ड्रेस पहनना, जाओ 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 जाओ, फोन रखो जाओ, सर का दर्द। यार एक तो लाइट भी नहीं है, अंधेरे में मेकअप करना पड़ रहा है, वो देखो अब आ रहा है। अच्छे लग रहे, लगा भी तो, लगता है इसको काम ही नहीं आता है करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कलियां, पहाड़, वादियां, मौसम, खेत, हरियाली, सुने आप लोग अपना मेकअप खुद कर रही हैं? मैंने तो सुना है कि कोई प्रोटेक्शन वालों की लड़की होती है जो मेकअप करती है सबका। हाँ वो लड़कियाँ अपना मेकअप खुद ही कर लेती हैं, लड़कों को करवाना पड़ता है। अच्छा जी, कहाँ है वो, मुझे कहीं नजर नहीं आ रही वो। एक तो मान मान लाइट आई, सोच रहा था कि ये भी बंद कर दो। अपना मेकअप है ना थोड़ा सा करा। अरे लाइट खोलो, बड़ा खूबसूरत आता मैं। हाँ हाँ बहुत ज़रूरी होता है मेकअप करवाना सीन से पहले। एक काम करें, वो बाहर एक लड़की होगी शिजा नाम की, गोरी सी, चाइनीज सी, उससे बोले वो आपका मेकअप कर देगी। अच्छा सुने, एक काम करें, उसको बताइएगा मत कि मैंने आपको भेजा है, वरना वो खामा खामे गुस्सा करेगी कि मैंने उसका काम बढ़ा दिया। अरे आप फिक्र क्यों कर रही हैं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। सही है। क्या किया तुमने बेचारी की, कितनी डांट पड़ेगी यार। अब आएगा मजा, इसको पता चलेगा। अरे पर शिजा, आप ये फजूल काम छोड़ें, जो आपका काम है वो करें प्लीज। क्या कर दूं? मैंने सीन करवाना है, मेरा मेकअप करें भाई। मैं आपका मेकअप करूं? आपका दिमाग तो ठीक है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूं, आपको नजर नहीं आता तो मेकअप कौन करेगा? वो वहां अंदर जाएं आप मेकअप करवाने के लिए। एक्सक्यूज मी, आप वही हैं ना जो कलीम का कैरेक्टर कर रहे? जी जी, मैं मोहब्बत करूंगा अगर आपको एतराज ना हो तो। आप अपने लाइंस अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, बस इतना काफी है, बाकी आपको डायरेक्टर समझा देंगे। जाएं आप अंदर। भाई
कितनी देर में फारिग हो गए? मैंने भी मेकअप कराना है। भरम किसे जा रहे हो? मैं एक्स्ट्रा लड़कियों का मेकअप नहीं करता हूँ, तुम लड़के हो, जाओ वॉशरूम से मुंह धो लो और जो दो लाइने मिली है ना वो जाके याद करो, समझ आई? जाओ। शाबाश। इधर कीजिएगा। बाल तो देखो, बाल तो आप दो मिनट सबर कर ले प्लीज, आपको दिख नहीं रहा मैं, मेरा मेकअप हो रहा है, भेज रहा हूँ। चेंज कर दीजिएगा, ओके? सही है ना? ठीक है। आपने कभी अपने रवैये पर गौर किया? आपको अंदाजा भी है कि यार एक मिनट, पोली ऐसे लगाते? सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए आप लोग इन जैसी दो टके की एक्ट्रेस को कास्ट करते हैं और मुझ जैसी बड़ी एक्ट्रेस का टाइम वेस्ट करते हैं। ड्रामा ना मर जाए, सीआर करते हैं। लैला आ जाओ, लैला आ जाओ, तुम्हें डायलॉग ज्यादा है ना? जी जी बिल्कुल सर। टिका के डायलॉग बोलने, अच्छी एक्टिंग करनी, ओवर एक्टिंग नहीं करनी। मतलब जुमले मैं खुद बना लूं अगर आपको एतराज है? कोई एतराज नहीं है, बस अच्छे होने चाहिए, एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए। चलो क्यों बोलो, तुम समझती हो कि मैं तुमसे? नहीं 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 नहीं, ऐसे तो मैं फ्लॉप एक्टर बन जाऊं। सर दो मिनट ले लो सर, अगर आपको एतराज ना हो। मेरे टीचर ने बोला था सबसे पहले जाके कैमरे से दोस्ती करना, फिर कैमरामैन से, और फिर डायरेक्टर। यार हो गई सबसे दोस्ती, डायलॉग बोलो। यो जेन, ओहायो गुज़ारवा। ये क्या कर रहा है यार? सर मैंने कैमरे से बोला कि दोस्त आपसे दोस्ती। हो गई कैमरे से दोस्ती, डायलॉग बोल यार। चलो एक्शन, बोलो 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 बोलो, बस बस थूक मत निकलो। तुम समझती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं जब तुमसे अलग होता हूं तो ऐसा लगता है जैसे सूरज मशरिक की जगह मगरिब से निकल रहा हो, जैसे जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो गया। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मुझे सारी उम्र यूं ही प्यार करते रहना। तुम जानते हो ना, औरत मर्द से पूरी जिंदगी सिर्फ प्यार चाहती है, और इसी प्यार के सहारे वो उसकी बाहों में जान भी दे सकती है। मैं तुम्हें जिंदगी भर। तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? आप तमीज से कहें तो। तुम इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो मेरे भाई? तुम्हें सेंस नहीं है, थप्पड़ खा लिया तुमने। ओवर एक्टिंग? You know what? What is acting is? Acting is about discipline. Acting is being focused. Being focused. Being specific. Being. अबे अब तू मुझे एक्टिंग सिखाएगा? तू सिखाएगा मुझे एक्टिंग? पिछले 15 साल से मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ, तू मुझे एक्टिंग सिखाएगा? फोकस फोकस फोकस। सर मेरा मकसद, मैं दुनिया को सिखाता हूँ। सर एक मिनट, सर एक मिनट, देखिए सर मेरा मकसद सेट का माहौल खराब करना नहीं था, मैंने तो आपसे पूछा था, आपने तो बोला था कर लेना अगर आपको एतराज ना हो तो। मुझे कोई एतराज नहीं बेटा, अच्छे तरीके से एक्टिंग को यहाँ से कर, यहाँ से, सिर्फ यहाँ से नहीं, ठीक है? दोबारा करेंगे, ठीक है? सर ये निशान तो नहीं आएगा ना? बेटा नहीं आएगा, तुम हीरो के हीरो रहोगे, तुम्हारे मुंह का निशान मैं मिटा दूंगा। अरे ऊपर करके लगाना है यार। चल चल रोल कर, रोल कर, रोल कर। चलो स्टैंड बाय। क्यों? आपने कभी अपने रवैये पर गौर किया? आपको अंदाजा भी है कि यार एक मिनट, पोली ऐसे लगाते हैं? इधर से दो ना सही से, ये ये बस बात सुन रहा हूँ। चलो स्टैंड बाय। टिश्यू करा ले, पसीना देख ले। टिश्यू करो यार जल्दी। चलो 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 देख करें। चलो रोलिंग रोलिंग रोलिंग। चलो चलो यार चलो चलो। क्यों क्यों? आपने कभी अपनी सॉरी सर। क्यों 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 क्यों? आपने कभी अपने रवैये पर गौर किया? आपको अंदाजा भी है कि रवैये कितने तकलीफ दे होते? ये जो आप रोके अंदाज के तीर चलाती हैं ना, इसके जख्म भर जाए लेकिन निशान उम्र भर तक नहीं जाते। तुम होती कौन हो मुझे समझाने वाली? इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है, या आप खुद गर्जी में इतना आगे बढ़ गई हैं कि इंसानियत के मायने तक भूल चुके हैं। साइमा तुम हद से आगे बढ़ रही हो। तो आप भी तो हद पार कर चुकी है। और कट कर, देखो माइन माइन बहुत अच्छा बोल रही हो, दोबारा बोलो। चलो लाइन बताओ इसे। अबे भाई लाइन बताओ यार। सर मैं बता रही हूँ।
इंसान को इतना भी चुप करो चुप करो, मैं लाइन बता रहा हूँ सुनो। इंसान को इतना भी संगदिल नहीं होना चाहिए कि लोग उससे नफरत करने लगे। टिका के बोलनी है। नजर नहीं आ रहा, पसीने आ रहे हैं। चलो रोल कर। शाबाश, रोल है। क्यों लाइन दे? अब्बा को घी भी आ। सर, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दे, मैं याद कर लेती हूँ, फिर बोल लूंगी। हाशमी साहब, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप लोग यही गलती करते हैं, सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए आप लोग इन जैसी दो टके की एक्ट्रेस को कास्ट करते हैं और मुझ जैसी बड़ी एक्ट्रेस का टाइम वेस्ट करते हैं। Oh my God, देखा? आप जानते हैं मुझे दूसरे सेट पे पहुंचना है, 6 बज चुके हैं। अनम मेरी बात सुनो, 15 मिनट लगेंगे, सीन हो जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है, दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म एट ऑल। यार लाइनें सिखाएं इनको, जब एक्टिंग नहीं आती तो क्यों आगे खड़ी हो गई है यार? मैम, नो मैम, प्लीज, बहुत हो गया। मैम हो गया यार, दिस जी आपने याद कर लिया। मैं जानती हूँ फिर से रीटेक होनी है और फिर आप मेरा टाइम वेस्ट करेंगे, बहुत हो गया सर। दिस इज नॉट ऑन, फॉर गॉड्स सेक, दिस इज नॉट ऑन। यार अनम, 15 मिनट में हो जाएगा सीन, 15 सिर्फ 15 मिनट। जानती हूँ आपकी एक्ट्रेस 15 मिनट लेती है, 1 घंटा। रो तुम यार, चलो जाओ अब जाके मेकअप रूम में, एसी में रो। माटी, एक्टिंग तो आती नहीं है। क्या हुआ, नहीं मानी ना? और उठाओ, चलो बैठो, लस्सी लाओ भाई इनके लिए, ठंडा करो इनको। बस समझा रही हूँ, अपना इरादा बदल दो वरना मैं तुम्हें इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखने दूंगी। हाँ तो ठीक है, तुम मुझे बाहर नहीं निकलने दोगे ना? फिर मैं खुदकुशी कर लूंगी। आपको आपका फोन मिल गया और इन बच्चों की इज्जत उतार दी आपने, जलील कर दिया इनको। बेटियों की कमाई पर पल रहा है और फरमाता है टाइम नहीं है इनके पास। नहीं जा सकती, उठो माँ, उठो ना,